हाँ तो एक बार फिर से मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर किसी भी गिवन सर्कल का कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इस लेक्चर में हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो उस लेक्चर में हमने देखा था लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एनी गिवन सर्कल होता है, लेंथ ऑफ आर्क को एल से भी डिनोट करते हैं, होता है आर इंटू थीटा, जहाँ पे आर है हमारा रेडियस एंड थीटा है एंगल। और हमने ये भी देखा था एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, वो होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। इसको डिराइव भी किया था, अगर आपको नहीं पता है ये कैसे आया तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिए। इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को एल से। इस पर हम सिंपल प्रॉब्लम करने वाले, एग्जांपल वन बहुत ही सिंपल रहेगा, जिसमें हमें आर एंड थीटा गिवन रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले में पुट अप करना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस आर एंड एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू है 45 एंड रेडियस हम लेते हैं 5 लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा एंड एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क होता है आर इंटू थीटा, हमें आर गिवन है 5 एंड थीटा गिवन है 45, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमें मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें मिलेगा इसका फाइनल आंसर 225। रेडियस जिसमें भी रहे, रेडियस अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगा, और थीटा डिग्री में है तो ये डिग्री में ही रहेगा। और सेकंड हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर की आर की वैल्यू है हमें 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे एंड थीटा की वैल्यू 45 है, तो 45 उधर लिखेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इसका आंसर हमें मिलता है 562.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी सर्कल का अगर हमें रेडियस गिवन है एंड थीटा गिवन है तो बहुत ही इजीली हम उसका लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका मेन इस एग्जांपल का मेन पर्पज है कि मैं आपको बताऊं लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर में रिलेशन क्या है, उससे आपको समझ में आएगा, इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा उन दोनों में रिलेशन क्या है। सो मानिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका हमें रेडियस पता है, रेडियस 10 सेंटीमीटर लेते हैं एंड एंगल अननोन है। इसका एंगल अननोन है बट हमें लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है जो है 50 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके पहले वाले एग्जांपल में मैं आर थीटा पता था तो बहुत ही इजीली हम लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते थे, बट इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता है फाइंड आउट करना है तो हमें आर और थीटा पता रहना चाहिए। बट अगर हमें पता नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे। देखिए हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड हमें लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, एल हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा है,
इसको हमें पहले देखेंगे एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, यहाँ पे भी आर इंटू थीटा है, तो इसको अगर हम स्प्लिट करें आर इंटू थीटा में, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू होती है आर थीटा, आर थीटा इक्वल टू हमें 57 सेंटीमीटर की वन है, तो इस आर थीटा की वैल्यू इधर हम रख सकते हैं, और आर की वैल्यू तो पता ही है, तो उससे हम एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी भी रेडियस मिलता है और लेंथ ऑफ आर्क मिलता है जिससे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ऐसा ही मेथड हम यूज़ करेंगे और बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी वैल्यू पुट अप करते हैं, रेडियस 10 है इंटू आर इंटू थीटा 50 है, सो ये 5 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमें रिलेशन इन दोनों के बीच में, और थीटा भी फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है तो हमें पता है एल इक्वल टू आर थीटा होता है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 50, आर हमें पता है 10, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 50 बाई 10 होगा थीटा की वैल्यू, जो कि होगी थीटा इक्वल टू 5 डिग्री। सो ऐसे हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें फाइनल अगर रिलेशन हमें लिखना हो एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क में, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 इंटू आर, आर इंटू आर थीटा को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर इंटू एल। सो ये हमारा फाइनल रिलेशन है। तो कभी भी हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, आर भी गिवन है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। हमें इस टॉपिक में इसी दो दो टाइप के सम मिलेंगे जो मैंने दोनों करवा दिए।